शायद आपने सुना होगा और हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने इनिशिएटिव लिया भी हो। आजकल भारत में एक पेड़ मां के नाम, अपनी मां को याद करते हुए एक पेड़ लगाना, मां जिंदा है तो साथ ले जाना, मां नहीं है तो तस्वीर ले जाना, एक पेड़ मां के नाम लगाने का अभियान आज देश के हर कोने कोने में चल रहा है। और मैं चाहूंगा आप सभी यहां भी ऐसा अभियान चलाएं। ये हमारी जन्मदाता मां और धरती मां दोनों का यश बढ़ाएगा। साथियों, आज का भारत बड़े सपने देखता है, बड़े सपनों का पीछा करता है। अभी कुछ दिन पहले ही पेरिस ओलंपिक खत्म हुए हैं। अगले ओलंपिक्स का होस्ट यूएसए है। जल्द ही आप भारत में भी ओलंपिक्स के साक्षी बनेंगे। हम 2036 के ओलंपिक्स की मेजबानी के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। स्पोर्ट्स हो, बिजनेस हो या फिर एनवायरनमेंट, एंटरटेनमेंट, आज भारत बहुत बड़े आकर्षण का केंद्र है। आज आईपीएल जैसी भारत की लीग दुनिया की टॉप लीग्स में से एक है। भारत की फिल्में ग्लोबली धूम मचा रही है। भारत आज ग्लोबल टूरिज्म में भी परचम लहरा रहा है। दुनिया के अलग अलग देशों में भारत के त्योहार मनाने की होड़ है। मैं देख रहा हूं इन दिनों हर शहर में लोग नवरात्रि का गरबा सीख रहे हैं। ये भारत के प्रति उनका प्यार है। साथियों, आज हर देश भारत को ज्यादा से ज्यादा समझना चाहता है, जानना चाहता है। आपको एक और बात जानकर खुशी होगी, कल ही अमेरिका ने हमारे करीब 300 पुराने जो शिलालेख और मूर्तियां थी, जो कभी हिंदुस्तान से कोई चोरी कर गया होगा, कोई 1500 साल पुरानी, कोई 2000 साल पुरानी, 300 शिलालेख और मूर्तियां भारत को लौटाई है। अभी तक अमेरिका ऐसी लगभग 500 धरोहरें भारत को लौटा चुका है। ये कोई छोटी सी चीज लौटाने का विषय नहीं है, ये हमारी हजारों वर्षों की विरासत का सम्मान है। ये भारत का सम्मान है और ये आपका भी सम्मान है। मैं अमेरिका की सरकार का इसके लिए बहुत आभारी हूं। साथियों, भारत और अमेरिका की पार्टनरशिप लगातार मजबूत हो रही है। हमारी पार्टनरशिप ग्लोबल गुड के लिए है।
हम हर क्षेत्र में सहयोग बढ़ा रहे हैं और इसमें आपकी सहूलियत का भी ध्यान है। मैंने पिछले साल ये घोषणा की थी कि सिएटल में हमारी सरकार का नया कॉन्सुलेट खोलेगी। अब ये कॉन्सुलेट शुरू हो चुका है। मैंने दो और कॉन्सुलेट खोलने के लिए आपके सुझाव मांगे थे। मुझे आपको ये बताते हुए खुशी है कि आपके सुझावों के बाद भारत ने बोस्टन और लॉस एंजेलस में दो नए कॉन्सुलेट खोलने का निर्णय लिया है। मुझे यूनिवर्सिटी ऑफ ह्यूस्टन में थिरुवल्लुवर चेयर ऑफ तमिल स्टडीज को अनाउंस करने की भी खुशी है। इससे महान तमिल संत थिरुवल्लुवर का दर्शन दुनिया तक पहुंचाने में और मदद मिलेगी। साथियों, आपका ये आयोजन वाकई शानदार रहा है। यहां जो कल्चरल प्रोग्राम हुआ वो अद्भुत था। मुझे ये भी बताया गया है कि इस इवेंट के लिए हजारों लोग और भी आना चाहते थे, लेकिन वेन्यू छोटा पड़ गया। जिन साथियों से मैं यहां मिल नहीं पाया उनसे मैं क्षमा चाहता हूं। उन सभी से अगली बार मुलाकात होगी, किसी और दिन किसी और वेन्यू पर। लेकिन मैं जानता हूं उत्साह ऐसा ही होगा, जोश ऐसा ही होगा। आप ऐसे ही स्वस्थ रहे, समृद्ध रहे, भारत अमेरिका दोस्ती को ऐसे ही मजबूत करते रहे, इसी कामना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।